छात्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी मुख्य सेविका की यह टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। यूपी मुख्य सेविका में एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त टॉपिक है और सिलेबस बेस पे सारे के सारे आपके टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन डेली 2 बजे आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलती है। टेस्ट सीरीज के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसके पहले का वीडियो देखिए। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। सारे प्रश्न आयोग की तर्ज पे हैं और पाठ्यक्रम के आधार पे हैं। और आप लोग की जानकारी बता दें, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे यह टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ PDF भी मिलते हैं और टेलीग्राम पर MCQ भी कराए जाते हैं। और एक बात और बता दूँ, PCS पाठशाला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको ऑथेंटिक जानकारी और ऑथेंटिक मटेरियल्स देता है, तो इसे इस पर विश्वास करें और परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहें। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण जो टॉपिक है, हम हर सिलेबस में जो भी टॉपिक है टॉपिक के बेस पे सारे के सारे टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं। तो यह दूसरी टेस्ट सीरीज है मित्रों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो लोग टेस्ट सीरीज संख्या 1 देखे थे, 1 देखे थे, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न, बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे नहीं थे लेकिन 2 से 3 ऐसे कमेंट थे जिसमें लोगों ने कहा था कि यह जो पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, और इसमें जो मैं उत्तर बताया हूँ वह मैं गलत बताया हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग का मानना है। तो जो उत्तर मैं बताया हूँ वो गलत बताया हूँ। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सी है, वही ऑप्शन सी जो है मृत्यु दर का घटना, यही भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वह लोग कह रहे हैं नहीं सर आप सी गलत बता रहे हैं, जबकि सही क्वेश्चन डी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर नॉर्मल जो भी लोग उस हिसाब से तैयारी नहीं किए हैं वो पूरी तरह से, यह प्रश्न जो है थोड़ा टेक्निकल है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि डी होगा। डी नहीं होगा, सी होगा। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, तो विकल्प जो है सी है। अब आप कह रहे हैं जन्म धर्म का बढ़ना भारत में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का कारण है, तो सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूँ, भारत में जन्म दर बढ़ नहीं रहा है। जन्म का बढ़ना और दर का बढ़ना अलग होता है। दर का मतलब होता है प्रतिशत। आप ये बताइए, भारत में क्या जन्म दर, जन्म युग का प्रतिशत बढ़ रहा है? आप खुद स्वयं से मूल्यांकन करिए। यहाँ पर मुख्य सेविका में बहुत सारे लोग कैंडिडेट होंगे जो 25 से 35 साल की, बहुत सारी महिलाएं होंगी 25 से 35 40 साल की, बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनका विवाह हो चुका होगा और 8 से 10 साल 15 साल हो चुका होगा विवाह किए हुए। आप ये बताइए कि आप 4 या 5 भाई बहन रहे होंगे, आपके अगर बच्चे हैं तो 1 या 2 ही बच्चे होंगे, 1 या 2 ही, या बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है कि अब या 3 बच्चे भी शायद हों। लेकिन क्या आप या 4 या 5 भाई बहन थे, तो क्या आपके बच्चे बच्चों के भी तो 4 या 5 भाई बहन होने चाहिए? लेकिन यहाँ जन्म का जो प्रतिशत है वो घट रहा है, प्रतिशत की बात की जा रही है। दर मतलब होता है प्रतिशत, तो जन्म दर का बढ़ना, भारत में जन्म दर बढ़ नहीं रहा है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, परिवार कल्याण चलाया जा रहा है, परिवार नियोजन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जन्म दर का बढ़ नहीं रहा है, जन्म दर घट रहा है भारत में। हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ना और जन्म दर का बढ़ना ये दोनों 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ आप जानना, पहली बात, भारत में जन्म दर बढ़ नहीं रहा है, भारत में जन्म दर घट रहा है। पहले 4 या 5 भाई बहन थे लेकिन अब 1 या 2 ही बच्चे हो रहे हैं, 1 या 2 या 3, तो मुश्किल से भारत में जन्म दर घट रहा है न कि बढ़ रहा है। तो मृत्यु दर का घटना ही जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं अब उपलब्ध हो रही हैं और जन्म के हिसाब से मृत्यु कम हो रही है। और एक बात बता दूं, यह तो हमारी बात हो गई, हमारी बात आप मत सुनिए। अब मैं आपको गूगल, जब आप लोगों ने इतना पिंच कर दिया तो मैंने गूगल किया, और गूगल के बाद एनसीईआरटी का एंथेटिक जानकारी मैं लेकर आया हूँ, जो कक्षा 10th में या 11th का पूरा जनसंख्या पर एक पूरा चैप्टर है। वह चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा वह पूरा का पूरा चैप्टर, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे, हो सकता है तो उसका जीरोस करा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जनसंख्या पर एनसीईआरटी का। तो यहां जो पीसीएस पाठशाला जो आपको मटेरियल देता है, जानकारी देता है, पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी देता है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BEd हूँ, MEd हूँ, वहाँ से PG हूँ, GRF भी हमने निकाला हुआ है, 1 साल 1.5 साल हमने महाविद्यालयों में पढ़ाया हुआ है और 2 साल सिलेबस सिविल की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है। यहाँ पर रुकिए, मैंने गूगल किया हुआ है और गूगल से आप देख लीजिए।
देखिए मित्रों, आपके ही प्रश्न पर हमने यहाँ गूगल किया होगा और यह एनसीईआरटी की जानकारी है। एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जनसंख्या पर कक्षा 10 में बहुत ही बढ़िया एकदम पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। देखिए, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। जन्म दर भारत में मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। तो इसमें आपका गलती नहीं है, दरअसल आप लोग समझ नहीं पाए और ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। और देखिए, यह एनसीईआरटी की जानकारी थी, एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं डाल दूंगा, रुकिए मैं एनसीईआरटी की दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यह जनसंख्या पर पूरा का पूरा चैप्टर ही है और यह एनसीईआरटी का है। बहुत ही बढ़िया, एनसीईआरटी की विशेषता यही होती है कि वह आपको एकदम पूरा तर्क के आधार पर सारा का सारा मटेरियल देता है। और यह देखिए एनसीईआरटी के साथ, ये कक्षा 10 या 11 का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है पूरा का पूरा चैप्टर है, देख सकते हैं 12-13 पेज का पूरा चैप्टर है। और जनसंख्या आप लोग का एक विशेष सिलेबस में भी दिया हुआ है, इसलिए मैं यह जो पीडीएफ है यह टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगेगा, बोधगम्य है और आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसी में यह जिक्र है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, मृत्यु दर में तेज गिरावट। एक वाक्य आपको बता दूं, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है। एक वाक्य आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें एक प्रश्न था कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बहुत सारे लोगों ने, 98% लोगों ने ने यह माना था कि जो नाथ संप्रदाय के समर्थ संस्थापक हैं वह गोरक्षनाथ जी हैं, और गोरक्षनाथ भी ऑप्शन में था और मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे वह भी ऑप्शन में थे। लेकिन 98-99% गोरखनाथ करके आए थे, गोरखनाथ को सही मान रहे थे। जब आंसर किया आया तो पता चला गोरखनाथ नहीं है, मत्स्येंद्रनाथ हैं। तो लोगों ने उस पर भी दावा ठोक दिया कि नहीं नहीं आपने क्यों गलत कहा, आपने आयोग ने क्यों गलत आंसर की दिया, मत्स्येंद्रनाथ को बनाया। जबकि आप लोग बता दें, विकिपीडिया पर आप जाएंगे, नाथ संप्रदाय लिखेंगे तो पूरा का पूरा वहाँ पर दिया हुआ है कि मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ संप्रदाय के समर्थक हैं। इतना ज़्यादा नहीं है तो आप लोग गोरक्षनाथ मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर भी यही वर्णित है कि वहाँ पर कि नाथ संप्रदाय के समर्थक जो हैं, संस्थापक जो हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं। ठीक है मित्रों, बस यही बातें थी जो मैं, मुझे लगा कि हो सकता है आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी होती है कि किसी के मन में यह बात आ जाए कि यहाँ पर गलत जानकारी दी जा रही है, गलत पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए पहले से आपको आत्मसंतुष्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आइए सीरीज प्रारंभ करते हैं, दूसरी सीरीज है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल शेयर करिएगा, और परीक्षा होने तक शेयर करिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कौन सा कथन है यह आपको बताना है। तो सारे विकल्पों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन डी है वही आपका असत्य है, बाकी जो है ए बी सी हैं सही हैं। डी क्या कह रहा है, भारत में कुछ जनसंख्या का 10% जनसंख्या सिखों की है। देखिए भारत में जनसंख्या जो सिखों की जनसंख्या है 1-1.5% है, 1-1.5% है, न कि 10% है, और बाकी जो है वो सही है। देखिए मुंडा और मान खमेर आष्टिक भाषा की शाखाएं हैं, यह सही है आपका। हिंदू बौद्ध और जैन सिख धर्मों की जन्मभूमि भारत में है, यह भी सही है। जम्मू कश्मीर और नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्या में है, अल्पसंख्यक हैं, यह भी सही है आपका, लेकिन डी आपका गलत है। प्रश्न 22 देखिएगा, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं। बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका जो सी होगा, विकल्प सी होगा, वो सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, महाराष्ट्र में, विकल्प सी हैं। जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाए थे उस समय 10 लाख के करीब लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, और पहले से भी काफ़ी बौद्ध हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है, अनुपात मतलब प्रतिशत सबसे ज़्यादा हिंदुओं का कहाँ है। तो इसमें विकल्प सी होगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में हिंदुओं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, विकल्प सी, उड़ीसा में हिंदुओं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए बी सी डी चारों आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसमें कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है यह आपका सही नहीं है, भारत में द्रविड़ भाषाएँ सबसे अधिक बोली जाती हैं। देखिए भारत में द्रविड़ भाषाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये आपका सही नहीं है, द्रविड़ भाषाएँ भारत में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत में मुख्य जनजाति समूहों की संख्या लगभग 58 है, ये आपका सही है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या आर्य भाषाएं बोलती हैं, और यही आपका महत्वपूर्ण है, आर्य भाषाएं।
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाली सबसे बड़ा समूह है, समूह संथाल है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाला सबसे बड़ा समूह जो है वो संथाल है। संथाल एक जनजाति है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आस्टिक भाषा वर्ग से संबंधित है? तमिल, पहाड़ी, खासी और मलयालम। तो मैं आपको बता दूं यह जो कौन सी भाषा आस्टिक भाषा से संबंधित है, तो इसमें जो खासी होगा वह आपका आस्टिक भाषा से संबंधित है, विकल्प सी। ये जो है मलयालम आदि, तमिल आदि हैं, यह आपका मंगोलॉयड है। तमिल जो है आपका द्रविड़ भाषा है और खासी जो है आपका आस्टिक भाषा है। तमिल और मलयालम जो है आपका द्रविड़ भाषा में आएगा और खासी जो होगा आपका आस्टियासिक भाषा में आएगा। पहाड़ी जो है मंगोलॉयड भाषा में आएगा। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो आर्य भाषा वर्ग में कौन सी भाषा नहीं आती है ये आपको बताना है। तो इसमें तेलुगु जो है वह आर्य वर्ग भाषा में नहीं आता है, यह आपका द्रविड़ है। प्रश्न नंबर 26 का सी, तेलुगु। प्रश्न 27 देखिएगा, भारत में ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता क्या है? ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता क्या है भारत में? तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें, तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक व्यवसाय में लोग संलग्न हैं। प्राथमिक व्यवसाय मतलब क्या होता है? कृषि और पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है, तो इसमें ज़्यादा लोग संलग्न हैं, तो यह भी आपका सही है। जनसंख्या का कम घनत्व है, यह भी आपका सही है। शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है लेकिन गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, यह भी आपका सही है। आधुनिक सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल आधुनिक सुविधाएँ जो होती हैं उसका अभाव है। हालांकि अब धीरे धीरे विकास की गति बढ़ विकास हो रहा है देश में और आधुनिक सुविधाओं का लाभ लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी शहरों के मुकाबले नगरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। तो उपयुक्त होगा उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 28 देखिएगा, भारत की लगभग आधी जनसंख्या किस आयु वर्ग से है? भारत की आधी जनसंख्या जो है किस आयु वर्ग से है ये आपको बताना है। तो विकल्प ए जो होगा 20 वर्ष से कम। भारत की आधी आबादी मतलब 50% से ज़्यादा आबादी जो है 20 साल से कम की आयु की है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि क्या है? भारत, इंडोनेशिया, चीन और मध्य पश्चिमी एशिया। तो आपको बता दें चीन जो है मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, चीन जो है मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। क्योंकि देखिए मंगोल कहाँ होते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत जो है त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहाँ मंगोलॉयड प्रजाति के लोग होते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि उन सबका जो उन लोग का जो चेहरा होता है थोड़ा थोड़ा चीनियों की तरह मिलता है, इसीलिए कहा जाता है मंगोल प्रजाति की जो जन्मभूमि है वह चीन है, विकल्प सी। प्रश्न 30 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक ग्रामीण विशेषताओं वाला राज्य है? तो कहाँ मतलब कि ग्रामीण संख्या या ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण बहुत कम हुआ है, लगभग 4-5% ही वहाँ पर नगरीकरण है और वहाँ पर नगरीय जनसंख्या भी बहुत कम वास करती है। ग्रामीण क्षेत्र भी ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या भी हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है। तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 31 देखिएगा, दोआब क्षेत्रों में अधिवासों का प्रारूप होगा रैखिक, अरीय, सघन या खंडित? तो दोआब क्षेत्रों में जो प्रारूप है वह आपका खंडित है, खंडित है, खंडित प्रारूप है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दोआब का जो क्षेत्र होता है वहाँ पानी की धारा हमेशा बहती है। दोआब का मतलब आप जानते हैं दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उसे कहते हैं दोआब। तो दोआब में बाढ़ उठ ज़्यादा आता है तो बाढ़ होने की वजह से भूमि जो होती है खंडित हो जाती है, कट जाती है और इसीलिए वहाँ आदिवासों का जो प्रारूप होता है, जो घर बनते हैं वह आपके अलग अलग बन जाते हैं, इसलिए खंडित भूमि होती है वहाँ पर। प्रश्न 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों विकल्पों को आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न विकल्प डी होगा वही आपका असत्य होगा, बाकी ए बी सी हैं जो सही हैं। डी क्या कह रहा है, केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। तो ये आपका गलत होगा, केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। देखिए केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन यहाँ वृद्धि दर कम है, वृद्धि दर कम है, यह बात आप जानें। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा केंद्रशासित जितने भी केंद्रशासित प्रदेश हैं वहाँ लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है और साक्षरता की वजह से लोग जागरूक हैं और जागरूक की वजह से लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर जैसे प्रश्न जो प्रश्न वन था उसमें आप लोग फंसे हुए थे वही मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से अधिक है यह कह रहा है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर से राष्ट्रीय दर से अधिक नहीं है। तो विकल्प डी जो है आपका गलत है, बाकी ए बी सी सही है। ए क्या कह रहा है, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। तो यह आपका सही है।
प्रवास करने वाले लोग अधिकांशतः ग्रामीण होते हैं, यह भी आपका सही है। असमान आर्थिक विकास के कारण अंतरराज्यीय प्रवास होता है, यह भी आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, किस जनगणना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु से अधिक रही है? तो किस जनगणना में ऐसा रहा है, तो इसमें होगा 1971। 1971 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु से अधिक है। जीवन प्रत्याशा मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए महिलाएं औसत कितना जीवित रह रही हैं, जैसे सपोज दर्ड मान लीजिए 60, तो पुरुष कितना जीवित हैं उस दशक में, तो हो सके मान लीजिए 55, तो इसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो ऐसा कब रहा है कि महिलाओं का जीवन प्रत्याशा आयु पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु से अधिक रहा है, तो 1971 में रहा है, 1971 में रहा है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल में। प्रश्न 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, थोड़ा धुंधला हो गया है लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका सिक्किम है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, विकल्प सी जो होगा वो होगा सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जो राज्य है वह सिक्किम है, मतलब पूर्ण राज्य की बात किया जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में भी, और सबसे कम जनसंख्या भी सिक्किम में ही है, और इन चारों की बात किया जाए तो सिक्किम में है। प्रश्न 36 देखिएगा, भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, 5 मेंबर का आपका परिवार है, तो उसमें एक या दो लोग कमा रहे हैं, लेकिन 3 लोग नहीं कमा रहे, 3 लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर घर का काम कर रहे हैं, तो जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, उसे ही कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो भारत में जितनी भी आबादी है, जितनी भी जनसंख्या है, उसका कितना प्रतिशत आबादी कार्यशील जनसंख्या है, यह प्रश्न कर रहा है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 57%। भारत में 57% लोग, 57% लोग जो हैं कार्यशील जनसंख्या के अंग हैं। प्रश्न 37 देखिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत में अधिवासियों की अवस्थिति निर्धारित होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत मतलब पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत मतलब गुजरात, राजस्थान आदि के क्षेत्र को पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं। तो ये पूछ रहा है, उत्तर पश्चिमी भारत में अधिवासियों की जो अवस्थिति है निर्धारित होती है, मतलब अधिवास मतलब जो घर हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये बताना है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में अधिवासियों की जो अवस्थिति है निर्धारित होती है सुरक्षा व्यवस्था से, वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वहाँ रेतीली तूफानें चलती हैं, तो अधिवासियों की जो अवस्थिति कैसी निर्धारित होती है, सुरक्षा व्यवस्था से। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, समस्त भारतीय भाषाओं की एक सामान्य विशेषता है कि क्या विशेषता है, विशेषता पूछ रहा है, तो इसमें चारों ऑप्शन देख लें। समस्त भारतीय भाषाओं की एक सामान्य विशेषता क्या है? सभी हयात्मक हैं, सभी हव्यात्मक हैं, हव्यात्मक। इसका जो परिभाषा है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा इसका तात्पर्य क्या होता है। सभी भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, जो भी जितनी पंजाबी, जितनी भी संस्कृत, उर्दू, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उसमें सामान्य विशेषता क्या है कि सभी हव्यात्मक हैं। अब हव्यात्मक का मतलब मैं कल बताने का प्रयास करूंगा आप लोग को। प्रश्न 39 देखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है प्राकृत से, पाली से, खरोष्ठी से या सिद्ध मातृका से? तो देवनागरी का विकास किससे हुआ है, तो सिद्ध मातृका से हुआ है, सिद्ध मातृका लिपि से हुआ है, सिद्ध मातृका कहिए या फिर ब्राह्मी लिपि कहिए, उससे विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। प्रश्न 40 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? अब बताइए, हिंदी राजभाषा तो आप लोग जानते हैं, हिंदी राजभाषा उत्तर प्रदेश में भी हिंदी राजभाषा है, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो राजस्थान में भी हिंदी राजभाषा है। तो ऐसे कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में है? तो 9 राज्यों में भारत के 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा बनाया हुआ है, 9 राज्यों, जिसमें आपका हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, और फिर आपका राजस्थान भी है, और फिर दिल्ली भी है, ऐसे करके 9 राज्य हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, यूपी मुख्य सेविका का टेलीग्राम बनाया गया है। आइए, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करा, तो रुकिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप टेलीग्राम ओपन कर लीजिएगा और वहाँ सर्च करिएगा यूपी मुख्य सेविका, टेलीग्राम आप ओपन कर लीजिएगा और वहाँ सर्च करिएगा यूपी मुख्य सेविका। देखिए यहाँ पर यूपी मुख्य सेविका क्यों आप लोग टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, आ जाएगा, ये देखिए यही लोगो है,
येलो कलर का है यूपी मुक्तिका का, और लगभग 450 से ऊपर लोग यहाँ पर एड हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए या फिर जाकर सर्च बार पर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे मटेरियल दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार आप लोग को MCQ भी कराए जाते हैं, तो आप लोग MCQ भी देख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से एकदम रामबाण है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। धन्यवाद। और प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज, यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और साथ ही साथ आपको वन लाइनर की सीरीज भी बना दी गई है, और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आप लोगों को यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज मिलती रहती है। धन्यवाद।